पुष्कर पुलिस ने मादक पदार्थों के दो अलग अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए दो बच्चों और एक तस्कर को गिरफ्तार किया। वहीं आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाइयों के बारे में जानकारी देते हुए सीआई राजेश मीणा ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक राशिदीप के निर्देशानुसार पुलिस अधीक्षक ग्रामीण किशन सिंह भाटी और सीओ ग्रामीण विनोद कुमार छिपा सुपरविजन में मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गनाहेड़ा रेलवे स्टेशन के पास से दो बच्चों को 1 किलो 800 ग्राम अवैध गांजे के साथ पकड़ा। इसी तरह खटीक धर्मशाला देवनगर रोड के पास से कड़ेल निवासी संजय तंवर को भी 60 ग्राम अवैध गांजे के साथ पकड़ा। दोनों मामलों में एनडीपीएस एक्ट के मुकदमा दर्ज किया गया। इसके अलावा कपालेश्वर तिराहे के पास से देवनगर निवासी शिवपाल रावत को तलवार नुमा धारदार हथियार के साथ गिरफ्तार कर आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया। आज दोपहर में दो नाबालिग बच्चों को निरुद्ध किया है, जिनसे 1 किलो 800 ग्राम गांजा बरामद किया है। कहां से इनसे बरामद किया है? पुष्कर रेलवे स्टेशन के पास। एक संजय तंवर उर्फ सेजकरण पुत्र श्री सुरेश तंवर जाति मेघवाल उम्र 23 साल निवासी कड़ेल पुलिस थाना पुष्कर को अवैध मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया है। इस संबंध में अनुसंधान कर रहे हैं, नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। क्या क्या मादक पदार्थ? उससे गांजा मिला है। कितनी मात्रा? इससे 60 ग्राम है। दिनांक 11/2/2020 को शिवपाल राउत को 4/25 आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया है। इससे क्या बरामद किया गया? इससे एक धारदार तलवार है, वो बरामद किया है। कहां से बरामद किया? ये अपने कपालेश्वर चौराहा है वहां पे। तो पुष्कर का ही है, आसपास के ग्रामीण इलाके, आसपास का गनाड़ा का है। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें। प्यार का इजहार करना या फिर हो पेट भरना, मौज मस्ती का मूड हो दोस्तों को खुश करना, जिंदगी को जी ले, कुछ खा पी ले। पिज़्ज़ा पॉइंट कंगोर फॉर डिलीशियस मोमेंट।